Hello students, good morning. My name is Ajay Prajapati and I am from BCom Accounting and Finance department. And today we are going to discuss about computer networking. So let us start. So first we'll start with definition. I will read it out for you. Computer network refers to the collection of computers connected to each other to enable the sharing of hardware and software resources. For example, sharing of printer, scanner, data, application, etc. A communication protocol is set of rules for exchanging information over a network. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि computer network refers to the collection of computers connected to each other. मतलब ऐसे computers जो एक network पर एक दूसरे से connected होते हैं और वहाँ पर जो data है, जो भी resources होते हैं computer पे, वो एक दूसरे से share होता है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर एक कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं और हमें कुछ डेटा है जो दूसरे कंप्यूटर से शेयर करना हो तो हम नेटवर्क के ज़रिए उसे शेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वर्ड पे या फिर पीपीटी पे वर्क कर रहे हैं और हमें सेम फाइल किसी और यूज़र को शेयर करना है तो वो फाइल हम नेटवर्क के द्वारा शेयर कर सकते हैं. सेकेंड, अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन ओवर अ नेटवर्क. मतलब अगर आपको कुछ भी नेटवर्क पर शेयर करना हो तो उसके लिए पहले एक प्रोटोकॉल होता है जो हमें फॉलो करना होता है. टू टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स विच आर मेनली फॉलोड. फर्स्ट इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड सेकेंड वन इज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. मोस्टली फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है वो इसमें फॉलो किया जाता है, क्योंकि जो भी फाइल हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर वाया नेटवर्क शेयर करनी होती है उसके लिए उसका जो प्रोटोकॉल होता है वो है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंप्यूटर. सो फर्स्ट, रिसोर्स शेयरिंग. जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर पे हम जो भी रिसोर्स होंगे, रिसोर्स इन द सेंस जो भी फाइल्स होंगी, जैसे कि हमारी हो गई वर्ड फाइल, PPTs एंड एक्सेल फाइल शीट, वो सारी हम शेयर कर सकते हैं. सो वो हो गया हमारा रिसोर्स शेयरिंग. सेकेंड वन इज़ रिलायबिलिटी. सो कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ रिलायबल सोर्स ऑफ शेयरिंग ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स. सो इसलिए रिलायबल है, जिसे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और जिसके वाया हम सारे डॉक्यूमेंट्स जो है शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक. इकोनॉमिक मीन्स जो ऐसा नेटवर्क है जो कंपेरेटिवली थोड़ा लेस कॉस्टली होता है और जिसका यूज़ करके हमें कहीं ना कहीं हेल्प मतलब रिसोर्स शेयरिंग में उसकी हेल्प होती है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस. सो कंप्यूटर नेटवर्क्स पे देखा जाता है कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है. मतलब अगर हम कोई एक फाइल शेयर कर रहे हैं तो कितने टाइम में वो दूसरे नेटवर्क पे, मतलब दूसरे कंप्यूटर पे हम वाया नेटवर्क शेयर कर पाते हैं. सो परफॉर्मेंस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी अगर हम फाइल शेयर कर रहे हैं किसी कंप्यूटर पे तो वहाँ पे हम देख मतलब हम यही चाहते हैं कि हमारी जो फाइल है विद इन अ मिनट और विद इन अ सेकेंड, विद इन सम सेकेंड्स वो दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क तक शेयर हो जाए. सो इट शुड परफॉर्म वेल. नेक्स्ट वन इज रिमोट कनेक्टिविटी. मतलब अगर आपको एक फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक अगर शेयर करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें एक जगह पर आके ही उसे शेयर करनी चाहिए. हम किसी भी लोकेशन से उसे शेयर कर सकते हैं. मीन्स यू कैन शेयर योर फाइल्स फ्रॉम एनी रिमोट लोकेशंस and you don't need to sit on one particular place to share those files. Last one is security. हमारे जो files होते हैं वो secured होते हैं. मतलब एक secured network पर file sharing होती है. ठीक है, मतलब one user अगर एक file second user को share कर रहा है तो वो file का sharing सिर्फ उन दोनों के बीच में ही होगा. third user उसके बीच में कॉन्ट्रवेंट नहीं कर सकता. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. वी विल रिपीट इट अगेन. फर्स्ट इज रिसोर्स शेयरिंग. सेकेंड वन इज रिलायबिलिटी. थर्ड इज इकोनॉमिक. फोर्थ इज परफॉर्मेंस. फिफ्थ वन इज रिमोट कनेक्टिविटी. एंड लास्ट वन इज सिक्योरिटी. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ नेटवर्क. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देर आर टोटल फोर टाइप्स ऑफ नेटवर्क. First one is personal area network, which is also known as PAN. Second one is local area network, which is also known as LAN. Third one is metropolitan area network, which is also known as LAN. MAN. I beg your pardon. Third one is metropolitan area network,
विच इज़ ऑल्सो नोन एज मैन, एंड लास्ट वन इज वाइड एरिया नेटवर्क विच इज़ ऑल्सो नोन एज वैन। स्टेप बाय स्टेप हम सारे नेटवर्क के जो टाइप्स है वो डिस्कस करेंगे। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क यूज फॉर अ डेटा ट्रांसमिशन अमंगस्ट डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, टेलीफोन्स, टैबलेट्स एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हैन मीन्स होम एरिया नेटवर्क। जैसे कि इसका वर्ड फर्स्ट जो फर्स्ट वर्ड है पर्सनल, वही बता रहा है कि ये नेटवर्किंग एरिया मतलब कौन इसे ज़्यादा यूज़ करता है। इट इज़ फॉर पर्सनल यूज़ ओनली, जहाँ पर हम हमारा कंप्यूटर, हमारा प्रिंटर, हमारा फ़ोन जो एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड रहेगा और जहाँ पर सिर्फ हम ही हमारे जो भी रिसोर्स रहेंगे वो खुद से शेयर कर पाएंगे। ओके, जैसे कि आप उसके बाजू में दिए हुए डायग्राम से देख सकते हो कि पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या क्या आता है, जैसे कि USB है, कैमरा, यो गेम पैड, प्रिंटर, फ़ोन केबल, TV, VCR एट्सेट्रा। तो ये हो गया आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट वन विल सी इट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क विच इज़ ऑल्सो नोन एज LAN। सो LAN रेफर्स टू अ नेटवर्किंग एनवायरमेंट दैट एग्जिस्ट विद इन अ स्मॉल प्रीमाइसिस, से फॉर एन एग्जाम्पल विद इन द सेम बिल्डिंग और बिटवीन टू डिफरेंट बिल्डिंग्स। इन LAN द कंप्यूटर्स आर ऑन द सेम साइट एंड लिंक्ड बाय केबल्स। अभी LAN का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर कोई हो सकता है तो वो है आपके कॉलेज प्रीमाइसिस या फिर कोई कॉरपोरेट बिल्डिंग जिसमें LAN का यूज़ होता हो। इट मीन्स के एक ऐसा प्रीमाइसिस या फिर ऐसी बिल्डिंग जिसमें जो भी डिवाइसेस है फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स, वो एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड रहेंगे। ओके, तो उसे हम कहेंगे LAN। अब आप उसी के साथ में दिए गए हुए डायग्राम में देख सकते हैं व्हाट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। सो व्हाट आर दी डिवाइसेस विच कैन बी कनेक्टेड ऑन LAN। सो वी कैन सी ओवर हियर इट इज़ योर PC, फ्लॉपी, मैक, PC, प्रिंटर एंड ऑल्सो योर मैक। सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी कनेक्टेड ऑन लोकल एरिया नेटवर्क। और मोस्टली जो LAN होता है वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट में या फिर किसी एक बिल्डिंग में यूज होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मीन्स MAN। सो MAN रेफर्स टू अ नेटवर्किंग एनवायरमेंट दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर मेट्रोपॉलिटन सिटीज और एन नेटवर्किंग एनवायरमेंट दैट कनेक्ट्स टू और मोर LANs विद इन द सेम सिटी, एग्जाम्पल दिल्ली एंड मुंबई। मतलब ये एक ऐसा नेटवर्क है जो दो डिफरेंट सिटीज़ में जो भी LAN यूज़ हो रहा है, LAN मतलब जो हमने अभी प्रीवियसली देखा, LAN जहाँ पर जो दो डिफरेंट सिटीज़ में यूज़ हो रहा है वो LAN को कनेक्ट करने का काम करता है MAN। ठीक है, सो इट इज़ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब टू डिफरेंट सिटीज़ के जो नेटवर्क्स है वो एक ही नेटवर्क पे कनेक्ट करने का काम हमें कर देता है MAN, विच इज़ नोन एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो उसी के साथ में दिए गए हुए डायग्राम से हमें समझता है कि MAN में क्या क्या कनेक्टेड रहता है, मतलब MAN का जो नेटवर्क है उसके साथ में कौन से प्रीमाइसिस कनेक्टेड हो सकता है। जैसे कि हमें पता है LAN में सिर्फ एक सिंगल बिल्डिंग और उस सिंगल बिल्डिंग के या फिर प्रीमाइसिस के अंदर जो भी डिवाइसेस होंगे वो कनेक्ट रहेंगे, लेकिन WAN में एक पूरी बिल्डिंग रहेगी जो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बिल्डिंग में यूज़ किया था कॉलेज बिल्डिंग या फिर आपकी कॉरपोरेट बिल्डिंग रहेगी, उसी के साथ में रेजिडेंशियल एरिया का जो नेटवर्क रहेगा जहाँ पर लोग WAN यूज़ करते रहेंगे, जहाँ पर लोग LAN यूज़ करते रहेंगे वो नेटवर्क, और यूनिवर्सिटी और कैंपस, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के जहाँ पर भी LAN यूज़ हो रहे हैं वो सारे नेटवर्क जब एक ही नेटवर्क पर कनेक्ट होंगे उसे हम कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इट मीन्स योर MAN। सो नेक्स्ट वन विल सी इज वाइड एरिया नेटवर्क। सो इट सेज वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट एग्जिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, एग्जाम्पल इंडिया एंड अमेरिका। The world's largest wide area network is internet. Okay? तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम mostly सभी लोग internet का use बहुत ज़्यादा करते हैं। तो internet क्या करता है, जैसे कि अगर कोई भी चीज़ एक country में हो रही है तो वो same चीज़ आपको social media के through या फिर internet के through दूसरे country में भी उसकी news मिल सकती है। ठीक है,
सो ये है वाइड एरिया नेटवर्क का काम, मतलब जो भी डिफरेंट कंट्रीज है वहाँ पर जो भी नेटवर्क्स है उन सारे नेटवर्क्स को एक सिंगल नेटवर्क में कनेक्ट करने का काम जो करता है उसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।